नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में कृषि विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की खेती को उर्वरता को बचाने और किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है और उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के सेमिनार से देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के उपयोग से एक और जहां भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, वही फसल भी मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने सुझाव दिया कि खेती की लागत कम करने, भूमि की उर्वरता बनाए रखने और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि देश के अनेक किसानों ने प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से रासायनिक खाद को पूरी तरह बंद कर प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किन सौगातों को लेकर आप सिवनी मालवा आए? आज सिवनी मालवा में कृषक ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया है। यह 27-28 लाख की लागत से सुजत हुआ था, लेकिन 23 लाख में बना है। यहाँ किसान आएंगे, खेती से संबंधित प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना उसकी जानकारी मिलेगी। कृषि ओपीडी रहेगा, एक तरह से हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठेंगे और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे, गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई बनाने के प्रशिक्षण भी देंगे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, हमारे बच्चों का भविष्य बचे, कैंसर से मुक्ति मिले, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े और किसान की आय भी दोगुना हो, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। प्राकृतिक खेती पर आपने जोर दिया है, गोवंश से जोड़ते हुए, तो इसके लिए क्या विशेष प्रयास? उसके लिए जैसे भारत सरकार ने नमामि गंगा योजना की है, गंगा किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर प्राकृतिक खेती होगी ताकि पेस्टिसाइड और रासायनिक जो उसके अंदर बारिश के समय बह के जाता है खेतों से गंगा में, ताकि गंगा प्रदूषित नहीं हो। इसी प्रकार हमने नमामि नर्मदा योजना प्रारंभ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। नर्मदा जी के दोनों किनारे अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर तक 5-5 किलोमीटर जो प्राइवेट किसान है उनको भी हम प्रशिक्षण देंगे, समझाएंगे, उनको संकल्प दिलाएंगे और प्राकृतिक खेती कराएंगे, गोवंश आधारित खेती, ताकि गोवंश की रक्षा भी होगी और खेती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, जो उपज होगी वो स्वस्थ होगी, जो खाएंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग होने से पंजाब के अंदर भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है, हमारे प्रदेश में लोगों को कैंसर ना हो, बीमार ना हो, लोग स्वस्थ रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर हमको आना ही पड़ेगा और इसके लिए हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश को 99,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करने का टारगेट दिया है, लेकिन हम उसको और बढ़ाएंगे प्रदेश तरफ से और जनता के सहयोग से, किसानों के सहयोग से। आने वाले समय में रासायनिक खेती टोटल बंद कर दी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश को हम शुद्ध रूप से प्राकृतिक और जैविक प्रदेश बनाना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,64,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दी जाती है रासायनिक खाद में और लाखों करोड़ की विदेशी पूंजी, हमारे देश की पूंजी विदेशों में जाती है पेस्टिसाइड के उपयोग से, और उसके बाद में हम वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे बच्चों के अंदर भी कैंसर हो रहा है। अभी एक बच्ची 13 साल की को कैंसर हुआ, उसका जब जांच कराई तो भिंडी की सब्जी वो खाती थी ज्यादा, उसके कारण, क्योंकि भिंडी में 5-5, 6-6 दवाई, 7-7 दवाई डलती है। हम मूंग पैदा करते 5-5 कोरोजिन डालते हैं, पहले मूंग की दाल बीमार आदमी को खिलाते तो स्वस्थ हो जाता था, अब स्वस्थ को खिला दो तो बीमार हो जाए। तो हम देश और प्रदेश की जनता को, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। कोई सांठगांठ नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।